How are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start video number 10 from the lesson 4, The Rat Trap. The rat trap means chuhedani ya chuhedan. Naam ke paath ki ye video number 10 hai. Aapka punah swagat hai. वीडियो नंबर 10 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा 9 के बारे में जो एंडिंग है उसके बारे में बता देना चाहते हैं. थोड़ा सा असमंजस में पड़ते हुए लोह व्यापारी ने कहा कि हम दोनों ने ही समझदारी नहीं दिखाई, दोनों तरफ से ही कोई समझदारी नहीं दिखाई गई, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा. लोह व्यापारी उस अजनबी व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें स्वीकार करना होगा या करना पड़ेगा, और मुझे भी आश्चर्य होगा यदि शेरिफ हमें ही गलत मानता है या मानेगा. शेरिफ क्या होता है? जिले का मुख्य अधिकारी जो सही गलत का फैसला देता है उसे शेरिफ कहा जाता है. आइए आगे शुरू करते हैं. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. The tramp, आवारा गर्द, आवारा व्यक्ति, कौन? अजनबी व्यक्ति, चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति. आवारा गर्द ने took a step forward. Forward means आगे की ओर, step means कदम, took means लिया या बढ़ाया. आवारा गर्द ने एक कदम आगे बढ़ाया एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. फिस्ट कहते हैं मुक्का, घूंसा. स्ट्रक मींस मारा. द टेबल मेज पर, और मेज पर उसने एक घूंसा मारा या मुक्का मारा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड. उसने कहा. किसने कहा? उस आवारा गर्द ने, अजनबी व्यक्ति ने, चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति ने कहा, श्रीमान लोह व्यापारी, अब आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताऊंगा या मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा हाउ थिंग्स आर, चीजें कैसी हैं, किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप. दिस होल वर्ल्ड, ये सारा संसार, इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट बल्कि ए बिग रैट ट्रैप, एक बड़ा चूहेदान है, एक बड़ा जाल है. उसने कहा कि ये समस्त संसार एक बड़े जाल, एक बड़े चूहेदान के सिवाय और कुछ भी नहीं है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल. All the good things, सारी अच्छी चीजें, that are offered to you, offered means given, जो आपको प्रदान की जाती हैं या दी जाती हैं, सारी अच्छी चीजें जो आपको दी जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, और nothing कुछ भी नहीं है, but चीज कहते हैं पनीर, rinds मजबूत खोल, and bits of pork, bits means टुकड़े, और कहते हैं स्वर के मांस को. वे सभी अच्छी चीजें जो आपको प्रदान की जाती हैं, वे पनीर के मजबूत खोल और स्वर के मांस के टुकड़ों के सिवाय और कुछ भी नहीं है. सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इन टू ट्रबल. सेट आउट मीन्स प्रयोग की जाती हैं. टू ड्रैग घसीटने के लिए, ए पुअर फेलो एक गरीब व्यक्ति को,
इनटू ट्रबल, मुसीबत में। ट्रबल मीन्स परेशानी या मुसीबत। सारी अच्छी चीजें दैट आर ऑफर टू यू, जो आपको प्रदान की जाती हैं, आपको दी जाती हैं, पनीर के मजबूत खोल और स्वर के मांस के टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं है, जिन्हें एक गरीब व्यक्ति को मुसीबत में घसीटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। एंड इफ द शेरिफ, यदि शेरिफ, यदि पुलिस, जिले का मुख्य अधिकारी कम्स नाउ, अब आएगा या आ जाता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इस अपराध के लिए मुझे जेल में बंद कर देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो श्रीमान लोह व्यापारी, फिर तुम्हें, देन यू, फिर तुम्हें श्रीमान लोह व्यापारी, फिर तुम्हें मस्ट रिमेम्बर, याद रखना चाहिए, दैट अ डे मे कम, कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट, जब तुम स्वयं ही चाहोगे, टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जब तुम खुद ही स्वर का एक बड़ा, स्वर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा चाहोगे, पाना चाहोगे, प्राप्त करना चाहोगे, एक दिन ऐसा भी आ सकता है, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तुम जाल में फंस जाओगे। ट्रैप मीन्स जाल या चूहेदान, अर्थात तुम मुसीबत में फंस जाओगे। गेट कॉट, फंसना, उलझना, तो फिर तुम मुसीबत में, जाल में उलझ जाओगे, फंस जाओगे। दी आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, लोहो व्यापारी उस आवारा गर्द की इस बात को सुनकर के हंसने लगा, बिगेन टू लाफ, हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, मेरे भले व्यक्ति, मेरे भले साथी, दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, ये बात इतने बुरे तरीके से नहीं कही गई है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सेड मींस कही गई, इस यह बात इतने बुरे तरीके से, सो बैडली, इतने बुरे तरीके से नहीं कही गई है, मेरे भले साथी। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, आगे कहता है, परहैप्स शायद, वी शुड लेट द शेरिफ अलोन, हमें शेरिफ को, पुलिस को अकेले ही छोड़ देना चाहिए, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस संध्या पर, शायद क्रिसमस संध्या पर हमें शेरिफ को अकेले ही छोड़ देना चाहिए, अर्थात पुलिस के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, इस बात को कहता है कौन, आयरन मास्टर, लोह व्यापारी। बट आगे क्या कहता है, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, बट नाउ, परंतु अब, गेट आउट ऑफ हेयर, यहां से दफा हो जाओ, चले जाओ, एज फास्ट, उतनी तेजी के साथ, एज यू कैन, जितना तुम जा सकते हो, अब तुम यहां से भाग जाओ, पर अब तुम यहां से उतनी तेजी से भाग जाओ जितनी तेजी से तुम भाग सकते हो, जल्दी करो। जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टूडे, बट जस्ट एज, परंतु जस्ट एज, जैसे ही द मैन वाज ओपनिंग द डोर, वह व्यक्ति दरवाजा खोल रहा था बाहर जाने के लिए, द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा, लोहो व्यापारी की पुत्री ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूं या मेरा विचार है,
ही ought to stay, उसे रुकना चाहिए, to stay means रुकना चाहिए, with us हमारे साथ, today, आज. लोह व्यापारी की पुत्री ने कहा, I think मेरे विचार से उसे आज हमारे साथ ही ठहरना चाहिए या रुकना चाहिए. I don't want him to go. I don't want, मैं नहीं चाहती हूँ. Him to go, कि वह जाए, कि वह आज यहाँ से चला जाए, इस बात को मैं नहीं चाहती. कौन? लोह व्यापारी की पुत्री. And with that she went and closed the door. और ये कह करके, ऐसा कह करके, she went, वह गई, and closed the door, और दरवाजे को बंद कर दिया. उस अजनबी व्यक्ति को, उस आवारा गर्द को घर से नहीं जाने दिया, दरवाजा बंद कर दिया. What in the world are you doing? said the father. उस लोह व्यापारी ने कहा, पिता ने कहा, क्या कहा? What in the world, इस संसार में, वैसे वर्ल्ड में संसार होता, लेकिन यहां पर सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं. फादर ने कहा, पिता ने कहा कि तुम इन परिस्थितियों में ये क्या कर रही हो. मैंने इसको बाहर जाने के लिए कहा कि भाई तुम ऐसे चलता बन, और तुम इसे रोक रही हो. तुम इन परिस्थितियों में ये क्या कर रही हो, ऐसा लोह व्यापारी ने. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. The daughter, पुत्री, quite embarrassed, पूर्ण रूप से लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, stood there, वहीं खड़ी रही. And hardly knew, और मुश्किल से ही जानती थी, या यह नहीं जानती थी, मुश्किल से जानती थी, what to answer, क्या उत्तर दिया जाए, या वह नहीं जानती थी कि अब उसे क्या उत्तर दे, अब वह क्या उत्तर दे, इस बात को वह नहीं जानती थी. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. That morning, उस दिन प्रातःकाल के समय, she had felt so happy, वह इतना अधिक खुशी महसूस कर रही थी, felt miss महसूस कर रही थी, so happy इतना अधिक खुशी, उस दिन प्रातःकाल के समय वह इतना अधिक खुशी महसूस कर रही थी, उसे इतनी खुशी हो रही थी. When she thought, जब उसने सोचा, how homelike, कि किस प्रकार से घर के व्यक्तियों की तरह, and Christmassy, और क्रिसमस की भावना से, कि किस प्रकार से वह घर के व्यक्तियों की तरह और क्रिसमस की भावना से, she was going to make, वह बना रही है things, खाने पीने की चीजें. Things means खाने पीने की चीजें. For the poor hungry wretch, उस गरीब भूखे, रैच कहते अभागा व्यक्ति या दुर्भाग्यशाली व्यक्ति. That morning, उस दिन प्रातःकाल के समय, she had felt so happy, उसने इतनी अधिक प्रसन्नता महसूस की या महसूस कर रही थी, अनुभव कर रही थी. When she thought, जब उसने सोचा, how homelike, कि वह किस प्रकार से व्यक्तियों की तरह और क्रिसमसी में ईसा मसीह की भावना से, वह उस गरीब भूखे अभागे व्यक्ति के लिए खाने पीने की चीजें बना रही है. शी कुडंट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस. ऑल एट वंस मीन्स एकदम सी ही. गेट अवे नहीं निकाल सकती थी, कुड नॉट गेट अवे नहीं निकाल सकती थी फ्रॉम द आइडिया विचार को. वह एकदम से ही अपने मस्तिष्क से इस विचार को नहीं निकाल सकती थी.
कौन से विचार को? कि वह उस अजनबी व्यक्ति के लिए घर के व्यक्तियों की तरह और क्रिसमस की भावना से उस गरीब भूखे अभागे व्यक्ति के लिए खाने पीने की चीज बनाएगी और इसे खिलाएगी। इस विचार को वह अपने दिमाग से एकदम से ही बाहर नहीं निकाल सकती थी। एंड दैट वाज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबोंड एंड दैट वाज वाई और यही कारण था, इट वाज द रीजन, यही कारण था सी हैड इंटरसीडेड, उसने मध्यस्थता की, उसने हस्तक्षेप किया या बीच में आ गई फॉर द वैगाबोंड उस आवारा गर्द के लिए। और यही कारण था कि वह कौन, लोहो व्यापारी की पुत्री उस आवारा गर्द के लिए बीच में या बिचाव बीच बिचाव करने के लिए आ गई या मध्यस्थता करने के लिए आ गई या उसने उस आवारा व्यक्ति के लिए हस्तक्षेप। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, नव युवती ने कहा आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, यहां मैं इस अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही हूं। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ही वॉक्स एंड वॉक्स घूमता रहता है, द होल ईयर लॉन्ग सारे वर्ष, ये आवारा गर्द पूरे साल घूमता ही रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, कि ये पूरे साल घूमता ही रहता है, ये आवारा गर्द चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति पूरे साल घूमता ही रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स शायद, और शायद नॉट ए सिंगल प्लेस, एक भी स्थान ऐसा नहीं है इन द होल कंट्री, समस्त देश के अंदर, सारे देश के अंदर एक भी स्थान, शायद सारे देश के अंदर एक भी स्थान ऐसा नहीं है वेयर, जहां ही इज वेलकम, जहां उसका स्वागत हो। एंड कैन फील एट होम, कैन फील अनुभव कर सके, एट होम घर जैसा, और उसे वहां घर जैसा आराम का अनुभव हो सके, उसका स्वागत हो, पूरे देश में एक भी स्थान ऐसा नहीं है। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे, वेयर एवर ही टर्न्स, टर्न्स मीन्स मुड़ना या घूमना, गोज, वेयर एवर ही गोज, जहां कहीं भी वह जाता है, कौन जाता है, आवारा गर्द, अजनबी व्यक्ति, चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति, तीनों ये एक ही हैं। जहां कहीं भी वह जाता है ही इज चेज्ड अवे, उसे खदेड़ दिया जाता है, चेज्ड अवे मीन्स ड्रीवन अवे, उसे खदेड़ दिया जाता है, वहीं से उसे भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, ऑलवेज हमेशा ही इज अफ्रेड, वह भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, ऑफ बीइंग अरेस्टेड, गिरफ्तार किए जाने से, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और जवाब सवाल करने से, पूछताछ करने से, वह हमेशा ही भयभीत रहता है कि उसे गिरफ्तार न किया जाए, और जिसे कहते हैं पूछताछ, और उससे पूछताछ न की जाए, हमेशा इस चीज से वो डरा हुआ रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और उससे पूछताछ की जाए। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर जस्ट वन इन द होल ईयर, आगे
लोह व्यापारी की पुत्री कहती है आई शुड लाइक, मैं चाहूंगी टू हैव हिम एंजॉय, कि वो आनंद करे, आनंद ले, ए डे ऑफ पीस, पीस में शांति, ए डे एक दिन की शांति, दिन भर की शांति, दिन भर का सुकून के साथ, विद अस हमारे साथ, हेयर यहां पर, मैं चाहूंगी, लोह व्यापारी की पुत्री कहती है कि वह चाहेगी कि वह कौन, आवारा गर्द, उनके साथ यहां पर दिन भर के सुकून के साथ, यह सुकून भरा एक दिन का आनंद उनके साथ ले, जस्ट वन इन द होल ईयर, भले ही यह वर्ष में एक दिन का ही आनंद क्यों न हो, जस्ट वन केवल एक दिन का ही, इन द होल ईयर सारे साल में, यानी कि ये आनंद चाहे पूरे साल में एक दिन का ही क्यों न हो, वह व्यक्ति हमारे साथ यहाँ सुकून भरा दिन का आनंद ले, ऐसा मैं चाहूंगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जाने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि इसके बारे में, इस चैनल के बारे में, इस प्रकार की वीडियोज के बारे में आपके दोस्तों को जानकारी नहीं है तो उनको भी बताइए। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 11 में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।